हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको अलीगढ़ जिले के बारे में जानकारी दूंगी। दोस्तों, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है। अलीगढ़ शहर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कारण विश्व प्रसिद्ध है। अलीगढ़ भारत का 55वां सबसे बड़ा शहर है। अलीगढ़ में बहुत सी जगह प्रसिद्ध है। अलीगढ़ घूमने के प्रमुख स्थल, पहला खेरेश्वर मंदिर। यह मंदिर ताजपुर रसूलपुर गांव में स्थित है। यह शहर के मध्य से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर इस क्षेत्र के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसकी छत धातु से निर्मित है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर में शिवलिंग के अलावा अन्य हिंदू देवताओं की कई प्रतिमा स्थापित है। मंदिर में एक छोटा सा तालाब स्थित है। यह मंदिर बाईपास सड़क पर स्थित है, जिससे यहां पहुंचने में आसानी होती है। दूसरा, अलीगढ़ किला। अलीगढ़ के किले को अलीगढ़ किला, बोनासौर किला या रामगढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। यह जिले के मुख्य आकर्षणों में से एक है। यह किला इब्राहिम लोदी के शासनकाल के दौरान 1525 में राज्यपाल उमर के पुत्र मोहम्मद ने बनवाया था। यह एक पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित है। तीसरा, नकाबी पार्क। यह पार्क अलीगढ़ में स्थित एक प्रमुख जगह है। इस पार्क के चारों ओर हरियाली है। यहाँ पर आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ आ सकते हैं। चौथा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक भारतीय केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह मूल रूप से सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था। यह कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। पांचवा, सेखा पक्षी अभयारण्य। यह सेंचुरी मुख्य शहर से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सेखावत गांव में स्थित है। यहां सेखा झील जैव विविधता से भरी एक सुंदर झील है। इस झील में एक तरफ प्रवासी पक्षियों की एक किस्म का निवास है। यहां कई पक्षी प्रेमी और विशेषज्ञों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह झील ताजे पानी का मुख्य स्रोत है। छठवां, मौलाना आजाद लाइब्रेरी। मौलाना आजाद लाइब्रेरी अलीगढ़, भारत में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का केंद्रीय पुस्तकालय है। यह एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पुस्तकालय है। यह लाइब्रेरी 7 मंजिला इमारत, 4.75 एकड़ के लॉन और उद्यानों से घिरी हुई है। इसमें लगभग 14 लाख पुस्तकें हैं। सातवां, जामा मस्जिद। यह मस्जिद अलीगढ़ में स्थित सबसे बड़ी और पुरानी मस्जिद है। इस मस्जिद को मुगल काल में मोहम्मद शाह के शासन काल में साबित खान ने 1724 में इसका निर्माण किया था। यहां औरतों के लिए नमाज पढ़ने का एक अलग इंतजाम है। देश की शायद ये पहली मस्जिद होगी जहां शहीदों की कब्रें भी हैं। इसे गंज ए शहीदान भी कहते हैं। इस मस्जिद के गुंबदों में कई क्विंटल सोना लगा हुआ है। मस्जिद बलाई किले के शिखर पर स्थित है तथा यह स्थान शहर के उच्चतम बिंदु है। अपनी स्थिति की वजह से इसे शहर के सभी स्थानों से देखा जा सकता है। आठवां, मंगलायतन मंदिर। तीर्थ धाम मंगलायतन एक जैन तीर्थ परिसर है। यह अलीगढ़ आगरा मार्ग पर हनुमान चौक के पास स्थित है। मंदिर परिसर का निर्माण एक कृत्रिम पहाड़ी पर किया गया है। जैन धर्म के लिए यह एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह परिसर लगभग 16 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर जैन तीर्थकारों की मूर्तियाँ स्थित है। नौवां, साईं मंदिर। साईं बाबा का यह मंदिर अलीगढ़ में लोकप्रिय है। यह सरसोल क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर शनि मंदिर और दुर्गा मंदिर भी स्थित है। दसवां, टीका राम मंदिर। यह मंदिर अलीगढ़ में शहर के मध्य में स्थित है। यह बहुत ही पुराना मंदिर है। यह मंदिर हनुमान जी, भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं को समर्पित है। ग्यारहवां, श्री वार्षणीय मंदिर। यह मंदिर अलीगढ़ में वार्षणीय डिग्री कॉलेज के पास स्थित है। यहाँ पर राधा और कृष्ण की मूर्तियाँ विराजमान हैं। यह मंदिर अलीगढ़ के सबसे ऊंचे शिखर वाला मंदिर है। बारहवां, बाबा बरछी बहादुर दरगाह। अलीगढ़ के कठपुला के पास स्थित बरछी बहादुर की दरगाह पर सभी धर्मों के लोग इबादत के लिए दूर दूर से आते हैं। इस दरगाह के बारे में मान्यता है कि यहाँ जो भी चादर चढ़ाकर इबादत करता है उसकी हर मन्नत पूरी होती है। यहाँ पर रोज सैकड़ों लोग आते हैं। बाबा बरछी बहादुर के अलावा हजरत शमशुल अफरीन, सहाज
माल की दरगाह भी अलीगढ़ के इतिहास में दर्ज बहुत पुरानी दरगाह है। यह दरगाह अलीगढ़ के दर्शनीय स्थानों में काफी महत्व रखती है। 13वां डोरगढ़ का किला। अलीगढ़ के प्रसिद्ध डोर किले अलीगढ़ शहर के केंद्र के ऊपरी क्षेत्र में स्थित है। हालांकि किले ने समय बीतने के साथ अपने पूर्ण गौरव को खो दिया है, लेकिन शानदार खंडर अपनी कहानी बताने के लिए पर्याप्त है। इस किले को राजा बुद्धि सेन द्वारा बनाया गया था। 14वां सर सैयद मस्जिद। सर सैयद मस्जिद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर के मध्य में स्थित है। यह सर सैयद हॉल के अंदर स्थित है। सर सैयद अहमद खान की कब्र भी इसमें स्थित है। मस्जिद का डिजाइन लाहौर की विशाल मुगल बादशाही मस्जिद से मिलती जुलती है। इसके अलावा भी अलीगढ़ में कई मस्जिदें स्थित हैं। 15वां नौ देवी मंदिर। यह मंदिर अलीगढ़ में नौरंगाबाद में GT रोड में स्थित है। यह देवी दुर्गा के नौ रूप विद्यमान है। भक्तगण माँ दुर्गा के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। यह मंदिर करीब 3 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर नवरात्रे में मेला लगता है। 16वां सिद्धेश्वरी माँ देवी तलवार। यह मंदिर अलीगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विजयगढ़ कस्बे में माँ सिद्धेश्वरी देवी तलवार धाम स्थित है। जो भक्त माता के दर्शन करने आते हैं, माता उनकी मनोकामना पूरी करती है। यह दूसरे राज्य से भी श्रद्धालु आते हैं। 17वां चामुंडा देवी का मंदिर। अलीगढ़ के गांधी पार्क रोडवेज बस अड्डे के निकट स्थित माता चामुंडा देवी का मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर काफी पुराना है। यह मंदिर पूरे जिले का श्रद्धा का केंद्र है। नवरात्र में यहाँ पर जन सैलाब उमड़ पड़ता है। मान्यता है कि माता रानी के दर्शन करने से मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। 18वां कोको स्प्लैश वाटर पार्क। यह अलीगढ़ में स्थित एक वाटर पार्क है। यहाँ पर आप विभिन्न राइड्स का मजा ले सकते हैं। 19वां हनुमान मंदिर। यह मंदिर अलीगढ़ में आगरा रोड और GT के बीच में बसा अंचल ताल में स्थित है। इस मंदिर में हनुमान जी की गिलहरी के रूप में पूजा होती है। यहाँ आसपास 50 से भी ज्यादा मंदिर हैं। 20वां बुलबुले हिंद हबीब पेंटर पार्क। यह शहर के मध्य में स्थित एक पार्क है। यहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं।